अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल में एक्सेल एडवांस लेवल पे यूज़ करना सिखाऊंगी। मैंने एक्सेल की लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोबाइल में हम एक्सेल को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, मैंने कुछ बेसिक्स बताई थी। बट आज मैं आपको कोशिश करूँगी कि सारा क्लियर कर दूँ, आपको ए टू जेड बता दूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक्सेल की ही शीट है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें मज़ीद टैब्स में जाना हो, यहाँ से हम जाते हैं। ठीक है, आज मैं इससे पहले आपको कुछ बताऊँगी कि अगर हमने एक्सेल के अंदर मज़ीद भी कोई काम करना हो, लाइक अब जिस तरह यहाँ पे मेरे पास टैब्स आ रहे हैं। ठीक है, ये अब टैब्स हैं, मैंने इनकी आपको जस्ट बेसिक्स बताई थी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेती हूँ, आपको बताया था इस तरह डबल क्लिक करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास। ये यहाँ पर ये आपके पास बना रहा है कीबोर्ड का ऑप्शन, मैं इसे क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेल के अकॉर्डिंग कीबोर्ड आ गया, यहाँ पर मैंने फिल करना है। ठीक है, 1 2। अब आपको पता है कि हम कंप्यूटर में क्या करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब हम एक्सेल यूज़ करते थे तो क्या करते थे, ड्रैग कर लेते थे, हमारे पास सीरीज़ में आ जाता था। बट इसमें तो उस तरह से नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 2 लिखा और इन दोनों को किया सेलेक्ट। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, फिर ये जैसे ही सेलेक्ट किया ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं फिल को क्लिक करूँगी। ठीक है, ये अब आप देखें ग्रीन सा हो गया, मैं इसको लेके जाऊँगी जितना भी मैंने फिल करना है। ठीक है, लेट्स सपोज 7 तक। तो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं, नंबर हो सकता है हमारे पास, डेज़ हो सकते हैं, मंथ के नेम हो सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं इसी तरह से डेटा ले सकती हूँ, कोई भी नेम लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब लेट्स सपोज कोई नेम लिख लेती हूँ, अली। नीचे अब इससे आऊँगी मैं, ठीक है, आबेद। अब ये डेटा को लेके हम काम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको ऑब्वियसली ये वाला एक्सेल अगर यूज़ करना है आपको इसमें डेटा एंट्री करनी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने आमना लिखा, और भी कोई नेम मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी इतने काफ़ी हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इनके मार्क्स दे देती हूँ, कुछ भी रैंडम से मैं मार्क्स दे देती हूँ, लाइक ये हो गया और ये, ओके दैट्स इट। ठीक है, अब ये इस तरह से मैंने रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से कैंसिल भी कर सकती हूँ, ये मेरे पास इस तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, अब मुझे याद आया कि मैंने इसमें हेडिंग नहीं दी। ठीक है, फर्स्ट में मैं हेडिंग देना चाहती हूँ, तो मैंने ये देखिए 1 को क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से इंसर्ट कर देती हूँ तो ये देखिए मेरे पास वो ब्लैंक हो के आ गई है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे हेडिंग्स दे सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसी तरह सीरियल नंबर लिख लेती हूँ, ये नेम्स का आ गया और यहाँ पर मार्क्स आ गए। ठीक है, ये मार्क्स हो गया। अब मैं पूरे को सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं बॉर्डर लगा देती हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया। इसी तरह से अब मुझे यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं इसकी वो मुझे बोल्ड चाहिए, और कलर भी फिल कर देती हूँ मैं, येलो कर दिया, फॉन्ट कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और अलाइनमेंट वगैरह इस तरह से सेंटर मैंने दे दी। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास एक मेरा डेटा तैयार हो चुका हुआ है। अब मैंने इसी डेटा का क्या करना है, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है, मैं इसमें कोई फार्मूला लगाना चाहूँ, कोई भी फार्मूला। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था सम ये एफएक्स में जाएंगे आपको फार्मूला मिल जाएगा, वो सिंपल वे से था। आज थोड़ा आपको हाई लेवल का दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने अब फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, यहाँ पर डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आई वी लुकअप, देखें जैसे ही आई लिखा है तो इन्होंने मुझे फार्मूला खुद दे दिया ऑप्शन, मैं उसे क्लिक कर लेती हूँ। अब क्या कह रहे हैं लुकअप वैल्यू। अब मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं जिसका भी सीरियल नंबर लिखूँ या नेम लिखूँ वो मेरे पास उसके मुताबिक उसके मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, मैं ये वाला दे देती हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगी। अब दूसरी चीज़ हमें क्या कह रहे हैं, कॉमा लगाऊँगी मैं यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़ आ रही है टेबल अरे, मैं यहाँ से टेबल कर लेती हूँ सेलेक्ट, कॉमा लगाया मैंने, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, सॉरी 3 है, सीरियल नंबर 1 नेम 2 और वो क्या है 2, सॉरी 3। ठीक है, मैं यहाँ से 3 लिख लेती हूँ, कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने कर दिया 0 और इसको मैंने कर दिया, ये ऊपर जो टिक का निशान आ रहा है इसे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पर अगर सीरियल नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4,
इधर क्लिक किया तो ये देखें अप्लाई हो गया, आमना के मार्क्स 65 मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो मार्क्स आ रहे हैं इनका मेरे पास एक चार्ट बना हुआ आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिर्फ नेम्स के अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आती हूँ, देखिए इंसर्ट में उसके लिए मैं जाऊँगी। ठीक है, इंसर्ट में आके यहाँ पे मेरे पास आ जाता है चार्ट का ऑप्शन, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया। जो भी आपको चार्ट चाहिए आप उसके मुताबिक करें, मैं कॉलम चार्ट फ़िलहाल ले रही हूँ सिंपल वे से। जिस तरीके का भी आपको चार्ट चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए, तो मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर चार्ट बना हुआ आ चुका हुआ है। बाकी आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी इसको ड्रैग करके मूव करें, ये देखें हमारे पास सबके मार्क्स आ रहे हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ। उसके अलावा मैं अगर इस तरह से इसको रिमूव कर देती हूँ, फ़िलहाल इस तरह से मैंने इसको क्लिक किया, ये चार्ट आ गया था, इस तरह से क्लिक करेंगे ये देखें इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, चार्ट मेरे पास रिमूव हो चुका हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ होगी इंसर्ट में, बेसिक चीज़ और भी जो थी इंसर्ट में। मैं अगर जाऊँ आप लोगों को पिक्चर लगानी है, आप इसी तरह पिक्चर में जाएंगे, फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो भी पिक्चर्स हैं वो आपकी मीन के उधर से जो भी पिक्चर्स क्लिक करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह शेप्स अगर आपने लगानी है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट शेप हैं, आप लोग उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, उनके स्टाइल दे सकते हैं, कलर वगैरह सब चेंज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं इसको भी, ये देखिए इसमें आप लोग टाइप वगैरह भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह से हम शेप्स को यूज़ करते होते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे आए, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ फार्मूलाज, उसमें वही फार्मूलाज आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए, उन्हें हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक फार्मूला लगा के भी दिखाया। डेटा में अगर जाएं तो इधर कुछ खास है नहीं, रिव्यू में हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब जैसे कि मेरे पास ये ऊपर हेडिंग है, ठीक है, मैं अब इस तरह से जा रही हूँ तो वो रिमूव हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर आती हूँ व्यू पर, मैं चाहती हूँ मेरे पास ये हेडिंग जो है ना ये ऊपर ही फ्रीज रहे, मीन कि इस तरह से मूव करूं तो ये मेरे पास रहे फिर भी। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, व्यू टैब पे जाऊंगी, यहाँ से फ्रीज पैन पे आ जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक करूंगी, फ्रीज टॉप रो, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मूव करके देखें, ये देखें हमारे पास फ्रीज हो चुकी है इस तरह से। ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊँ, अब जिस तरह हम इनकी कॉलम और रोज़ के साइज़ को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर अगर इसको एडजस्ट करना हो तो आपने इधर ऊपर क्लिक करना है। अब जिस तरह बी है, सी है, डी, अब ए को मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये आप देखें ए के साथ ऊपर दो लाइंस बनी आ रही है। मैं इसे डबल क्लिक अगर करूँ तो ये देखिए मेरे पास साइज़ एडजस्ट हो गया। इसी तरह से आप मज़ीद साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, तो आप ख़ुद से ड्रैग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। उसके अलावा क्लियर भी इस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए मैंने क्लियर को क्लिक किया तो वह सारा उसी तरह से हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपने जो है इसको फाइल को, ये जो हमारे पास फाइल है इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो ये आपके पास ऊपर जो तीन डॉट्स आ रहे हैं आप उसे क्लिक करें, ये तीन डॉट्स को मैंने क्लिक किया, सेव का ऑप्शन है, सेव एज है, शेयर एज पीडीएफ। आप जैसे ही शेयर एज पीडीएफ भी करेंगे ना तो वो पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अब ये मेरे पास इधर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, ये देखें चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो वो आपके पास वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, जीमेल आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, फिर आप वहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी आप शेयर करना चाहें तो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मज़ीद शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है ना इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये बाई डिफ़ॉल्ट शीट वन है, मुझे और शीट चाहिए, मैं प्लस को दबाऊँगी। ठीक है, देखिए शीट टू आ गई, और प्लस को दबाऊँगी, जितनी शीट्स चाहिए वो मेरे पास आ गई। शीट को रीनेम करना है, शीट पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद एक और दफ़ा क्लिक करें, ये ऑप्शंस आ जाते हैं, रीनेम करना चाहूँगी इस तरह से, कुछ भी जो भी नेम देना चाहें। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं इधर शीट वन पे आती हूँ, ज़रा इसको मैं अगर रीनेम करना चाहूँ तो इसी तरह से इस पर क्लिक करूँगी, मैं इधर लिख देती हूँ एक्सेल। ठीक है, तो ये इस तरह से देखें रीनेम हो गई। बाकी अब कोई शीट अगर डिलीट करनी है इसी तरह से उस पर डबल क्लिक करें, ये देखें डिलीट शीट का ऑप्शन आया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ से शीट, देख लें आप, शीट टू जो थी वो रिमूव हो चुकी है। तो ये कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बतानी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हाई लेवल का फार्मूला। आपको पता है कि एक्सेल के हर जगह पर वो फार्मूलाज नहीं होते, जैसे अब कुछ एडवांस फार्मूलाज आ गए हैं जो कि सिर्फ 365 में, ऑफिस 365 में अवेलेबल है, वो भी आपको इस एक्सेल में मिल जाएंगे। बहुत
ज़बरदस्त ऐप है, आप इसको लाजमी यूज़ करें। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको मोबाइल में इस ऐप को लाजमी तौर पर रखना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे तरीके समझ आ गए होंगे कि हम मोबाइल में प्रोफेशनल वे से एक्सेल को किस तरह से यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को वॉच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।